ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में बात करने पा रहे हैं WWE के स्पेशल शो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के बारे में। आपको याद होगा काफी टाइम पहले मैं आपको बता रही कैसे WWE ने इसकी टेपिंग जो है पहले से कर ली है और कुछ टाइम के बाद WWE से करेगी एयर। तो फाइनली WWE ने अपने नेटवर्क पर ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को कर दिया लाइव। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस पूरे शो के बारे में, WWE ने यहाँ पर क्या कुछ मैचेस किए और क्या कुछ यहाँ पर स्पेशल सेगमेंट्स थे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो शो की शुरुआत होती है एक हैप्पी सेगमेंट से, जहाँ पर हमें न्यू डे के साथ साथ आर-ट्रूथ एंड कार्मेला भी देखने को मिलती है। यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स भी न्यू डे के अलग थे और बेसिकली यहाँ पर वो आकर पूरी आर्मी को एंटरटेन करते हैं, कैसे वो उनके लिए जी जान लगाए रखते हैं, उनकी वजह से वो फ्रीडम में। तो यहाँ पर एक तरह से उन्होंने थैंक यू किया वहाँ की पूरी आर्मी को और उन्हें पहले सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी किया, जिसके बाद में अगला मैच देखने को मिलता है रोंडा राउजी नटालिया वर्सेस नाया जैक्सन, तमीना वर्सेस लिव मॉर्गन एंड सरा लोगन के बीच। और यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, रोंडा राउजी ने लास्ट में अपना लगा दिया सबमिशन मूव, जिसके चलते इस मैच में जीत हो जाती है रोंडा राउजी की। और आपको बता दूं यहाँ पर एक डबल सबमिशन मूव था, जिसके बाद में अगला मैच देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर स्पेशल सेगमेंट होता है मॉर्गन वॉलन का, जहाँ पर अपनी स्पेशल एक परफॉर्मेंस देते हैं, जिसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है एलायस एंड फिन बैलर वर्सेस बॉबी लेस्ली एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जीत हो जाती है एलायस एंड फिन बैलर की जब बॉबी लेस्ली पिन हो जाते हैं, जिसके बाद में अगला सेगमेंट देखने को मिलता है मिस टीवी का। और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होती है शार्लेट फ्लेयर एंड बैकी लिंच, और बेसिकली यहाँ पर आकर इन तीनों के बीच में तकरार देखने को मिलती है। मरीन मूवी के बारे में बात होती है, मिस यहाँ पर बैकी लिंच का मजाक उड़ा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल की। और यहाँ पर हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है बैकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल के बीच। और यहाँ पर बैकी लिंच के सबमिशन मूव के जरिए इस मैच में जीत होती है बैकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर की, जिसके बाद में जॉन स्टीवर्ट का एक स्पेशल गेस्ट वाला आप कह सकते हैं सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ वे अप्रिशिएट करते हैं ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को। और बात करें शो के मेन इवेंट मैच की, और ये मैच था एजे स्टाइल्स एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस न्यू डैनियल ब्रायन एंड डीन एम्ब्रोस के बीच। और इस मैच के जो रिजल्ट रहा वो ये कि लास्ट में एजे स्टाइल्स लगाते अपना फिनोमिनल फोरआर्म डैनियल ब्रायन को 1-2-3, और इसके चलते मेन इवेंट में जीत हो जाती है सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स की। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एजे स्टाइल्स एंड सेथ रॉलिंस ने अप्रिशिएट किया वहाँ की आर्मी को उनके काम को लेकर। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिली और जिसका हम वेट कर रहे थे, वो थे द बिग डॉग रोमन रेंज। जैसे कि मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था कि रोमन रेंज अपीयर हुए हैं ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में, और आपको बता दूं वाकई में रोमन रेंज ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में आए थे, लेकिन WWE ने उनका कोई कैमरे पर रोल नहीं प्ले कर पाया। मतलब कि WWE ने रोमन रेंज का कोई भी स्पेशल सेगमेंट ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के लिए फिल्म नहीं किया, पता नहीं WWE ने ऐसा क्यों नहीं किया। वैसे यहाँ पर इसका काफी अच्छा सेंस बनता अगर रोमन रेंज अगर अपना एक प्रोमो सेगमेंट कट करते और वहां की आर्मी को लेकर बात करते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में। और रोमन रेंज जैसे वहां पर आप लोग कह सकते हैं बैक स्टेज थे, इस टाइप से WWE ने टीवी टेपिंग्स पर या फिर टेपिंग्स पर उनका कहीं से भी यूज नहीं किया, जो कि कह सकता हूँ हमारे लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाली बात है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को लेकर। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।